नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और आप खबरों को देते हैं विस्तार। सोनभद्र जिले से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर चौपाल ब्लॉक के अंतर्गत कौन थाना क्षेत्र के पड़क्ष ग्राम सभा में ग्रामवासी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार योजनाओं को लागू कराने की कोशिशों में सरकार नाकाम रही है, जिससे यहाँ के लोगों में बीमारियों का अंबार लगा है, जिसमें टेढ़े मेढ़े दाँत पीले कम उम्र बूढ़े दिखना कई समस्याओं से ग्रहित हैं, फिर भी सरकार नहीं छेद रही है। फ्लोराइड युक्त गांव में पानी की सुविधा खटाई में पड़ी ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बड़े बड़े अधिकारी आए लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाए। विश्व स्तर से भी फ्लोराइड युक्त गांव में कई बार अधिकारियों का दौरा होने के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, समस्याओं से परिचित होने के बाद भी आज तक फ्लोराइड युक्त पड़क्ष ग्राम सभा में पानी की सुविधा नजारत है। नाले का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। कई गरीब आदिवासी ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ शौचालय, हैंडपम्प, आवास, राशन में कटौती आदि अन्य समस्याएं भी बनी हुई हैं। सोनभद्र के उबरा में निःशुल्क 3 दिवसीय महिला योग और आयुर्वेद शिविर का आयोजन बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में रामदेव योग समिति ने आयोजित किया। योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक जी ने कहा कि आजकल के आधुनिक युग में हर व्यक्ति को योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। योग आचार्य अजय जी ने योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूरे जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में सोनभद्र के धरती का सम्मान बढ़ाकर और नियमित राष्ट्र निर्माण में प्रथा बेला में विद्यार्थियों को योग और आयुर्वेद का प्रशिक्षण देकर समाज को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने का जो संकल्प लिया है वे अति सराहनीय कार्य है। 1.5 घंटे के प्रशिक्षण में स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न अभ्यास कराए गए। वहीं पानी पीने व भोजन के उचित तरीकों के बारे में बताया गया। वहीं रामदेव योग समिति ने योग और आयुर्वेद की जानकारी में अव्वल होने पर 7 बहनों को सम्मानित भी किया। सोनभद्र के धरती के कॉलेज के पूर्व छात्र रहे योग गुरु स्वामी रामदेव जी, प्रिय शिष्य आचार्य अजय कुमार पाठक और युवा भारत के दिशा निर्देश में इनके पूर्व 3 दिवसीय योग आयुर्वेद शिविर निरंतर चल रहा है। मनुष्य के तापमान के अनुरूप गुनगुना पेयजल ही ग्रहण करें। गर्मी आ रही है, फ्रिज का या ठंडा पानी कदापि ना ग्रहण करें। सुबह खाली पेट 3 गिलास पानी पी लें। भोजन के तुरंत बाद पानी ना ग्रहण करें। भोजन में नमक के साथ दूध ना लें। पानी या भोजन बैठकर ही ग्रहण करें। भोजन के बाद ब्रज आसन में बैठने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शशिबाला यादव, विनीता सिंह, सोनी सहानी, रंजना कुमार, सुधा सिंह और योग प्रशिक्षण सह शिक्षक और मीडिया प्रभारी रवि जी आदि लोग उपस्थित रहे। सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। योग भी हमें क्या करता है, अनुशासन में कैसे अपने जीवन में अनुशासन रखें। हर क्षेत्र में अनुशासन में रहोगे तो शिक्षा में भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। यानी हर क्षेत्र में आप बढ़ने का मूल मंत्र है अनुशासन, अनुशासन में रहना, ठीक है। तो योग भी हमें क्या सिखाता है, अनुशासन में रहना ही सिखाता है। वो भी एक तरह से एक स्टेप है हमारा कि जिससे हम अनुशासन में कैसे रहेंगे। तो आप विद्यार्थी जीवन में यानी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अनुशासन। अनुशासन हर चीज़ का, यूनिफॉर्म का भी अनुशासन होता है। आप अगर स्कूल में आ रहे हैं तो पूरे फुल यूनिफॉर्म में आए, उसके लिए किसी को टोकना ना पड़े, वो भी एक अनुशासन है। क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रही है, आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हैं तो अनुशासन में है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अनुशासन में नहीं है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि शांत बैठे लाइन में खड़े हो जाए सिस्टमेटिक, वो अनुशासन नहीं है। अनुशासन हर चीज़ में है, खाने में भी अनुशासन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में भी अनुशासन है, हर चीज़ में अनुशासन है। तो वो चीज़ आपका ये वृद्धि कर रहा है, योग सीख रहे हो तो ये चीज़ें क्या है उसको इंक्रीज कर रही है, जिससे अच्छी चीज़ों को आप लें और जो बेकार चीज़ें हैं वो अपने दिमाग से निकालें। पीलीभीत की पुलिस लाइन में 3 दिनों से ठप पड़ी है इंटरनेट सेवा। IGRS की शिकायत का नहीं हुआ कोई निस्तारण। जैसे ही मामला SP मनोज कुमार सोनकर के संज्ञान में आया तो उन्होंने जल्द से जल्द सेवा को ठीक कराने का आदेश दिया। IGRS पोर्टल में शिकायतें आती है, इसका त्वरित निस्तारण करना पड़ता है, समयबद्ध निस्तारण होता है। इंटरनेट की समस्या के कारण दिक्कत आ रही थी, अभी TDM साहब से मेरी वार्ता हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि तत्काल इस पे कार्रवाई करके अभी इंटरनेट ठीक करते हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।